देखिए यहाँ पे काफी जलकुंभी, काफी कचरा, काफी जंगल हो चुकी थी। मैं खुद भी यहाँ पे कवरेज करने आया हुआ था। दिनेश यादव जी एवं उनके पूरे टीम के जन्म रे सुरुज देव
उठा सूरज भईले बिहान, हे माई कोने खेत जनमल धान सुधान हो, कोने खेत जट हर पान, हे माई कोने खेत जट हर पान, हे माई कोने खेत जट बाबू दौर वाले जही हा अरग दिलही हा, उगी है सूरज गोसैया हो, अरग दिलही हा बाबू निर्मल होई हा, पड़ी पड़ी सूरज के पहिया हो, तू ही बाबू दौर वाले जही हा अरग दिलही हा, उगी है सूरज गोसैया हो, अरग पड़ी पड़ी सूरज के पहिया हो, पड़ी पड़ी सूरज के पहिया हो। मांगे बेटे बना नद मांगे भैया हो, सासू मांगे बेटे बना नद मांगे भैया, माई के दामाद वाजे पानी है सहैया, बुढ़िया के कायावा के कंचन तू बनावला, सबके करमिया के तू ही ता जगावला, तू ही ता जगावला, बाजे आजू तो हरे बजैया हे छठी मैया, उगी है सूरज गोसैया हो, अरग दिलैया बाबू निर्मल होई हा, पड़ी पड़ी सूरज के पहिया हो, पड़ी पड़ी सूरज के पहिया हो। जप तप तोहरे जे कैली बरतिया हो, जप तप तोहरे जे कैली बरतिया, छठ के कहनिया कहे पार्वतिया, सज के दौरवा सुपली मौनिया, लेला मोरे दीनानाथ आजुइया रगिया, आजुइया रगिया, रखी हा तू ही आही बतिया, हे छठी मैया, उगी है सूरज गोसैया हो, अरग दिलै हा बाबू निर्मल होई हा, पड़ी पड़ी सूरज के पहिया हो, पड़ी पड़ी सूरज के पहिया हो। छठ पूजा के बाद समिति में आई आस्था का महापर्व छठ, आज की शुरुआत आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और यहाँ पे मैं इस बार 33 तालाब बैजनाथपुर में हूँ, और यहाँ पे कई कार्यकर्ता हैं, कई मेंबर हैं, और भी कई लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। बताइए उदय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आस्था के महापर्व हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं बैजनाथपुर पार्क में, और ये जो छठ पर्व मनाते हैं उनका आज जो यहाँ हो रहा है विस्तार रूप से भव्य रूप से, जो हमारे निवर्तमान वार्ड पार्षद दिनेश यादव जी एवं उनके पूरे टीम के सौजन्य से आज का ये महापर्व हम लोग मना रहे हैं, और इसी तरह हम लोग आगे भी मनाते रहेंगे, और ये चौथा साल है जो हम लोग इस पार्क में ये महापर्व का पालन कर रहे हैं। अनूप जी, अनूप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 33 तालाब में जो छठ हो रही है और कई तरह की व्यवस्थाएं यहाँ मैं देख रहा हूँ है, और स्टील का चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है घाटों की, किस तरह की व्यवस्था आपको लगी या क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले 4 वर्षों से इस छठ की व्यवस्था की गई है,
और हमारे सभी कार्यकर्तागण पिछले 10 दिनों से बच्चे छोटे बड़े सब मिलकर घाट को साफ सुथरा एवं विद्युत सजावट में बहुत योगदान दिए हैं अपना। एक छोटा छोटा बच्चा सब भी इस घाट को सफाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारे वार्ड पार्षद दिनेश जी का तो क्या कहने, वो तो सर्वसर्वी है, उसका तो योगदान बहुत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निवर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 24 के, और यहाँ पे 33 तालाब में बैद्यनाथपुर में काफ़ी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जा रहा है, जो आज डूबते सूरज को अर्घ दिया गया। और दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे शहरवासियों को या यहाँ पर जो छठवर्ती आ रही हैं? सबसे पहले तो शिव दर्शन के माध्यम से जो ये लाइव चल रही है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बैद्यनाथपुर पार्क छठ पूजा सेवा समिति ये चौथा वर्ष है। हम लोग भव्य धूमधाम से मना रहे हैं। छठ व्रतियों के सारी व्यवस्था घाट बनाए हैं, दुल्हन की तरह हम लोग सजाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की उनको असुविधा नहीं हो। मैं खुद भी देख रहा था दिनेश जी कि यहाँ पे काफ़ी जलकुंभी, काफ़ी कचरा, काफ़ी जंगल हो चुकी थी। मैं खुद भी यहाँ पे कवरेज करने आया हुआ था और निगम का गाड़ी, जैसी भी छोटी गाड़ी, सारा पानी की व्यवस्था काफ़ी कम थी। किस तरह आप व्यवस्था कर पाएँ? समस्या तो इस बार बहुत ही जटिल थी, लेकिन हम लोग छठ माँ की शक्ति है जो अपरंपार है, और हमारे सारे सहयोग, हमारे मित्र भाई, हमारे चाचे, हमारे वार्डवासी के सहयोग से ये जलकुंभी जो देख रहे थे, हम लोग करीब 12-13 दिन लगातार शाम सुबह परिश्रम किए, मेहनत किए। और धन्यवाद देना चाहते हैं नगर आयुक्त को भी कि नगर निगम के माध्यम से ट्रैक्टर मिली, जेसीबी मिली। और एक समस्या बड़ी ये थी कि तालाब में एक बूंद पानी नहीं था। हम प्रयास कर रहे थे कि कैसे होगा छठ, एक असमंजस में फंसे हुए थे, लेकिन हमारे नगर आयुक्त को धन्यवाद फिर से देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से ये पानी देख रहे हैं। पानी टैंकी जो है, ये झारखंड का सबसे बड़ा पानी टैंकी है, इसमें 20 फीट के लगभग पानी हमको मिला, जिससे ये समस्या खत्म हो चुकी और हम आज छठ करने में। घाटों का निर्माण नहीं हो पा रही है, काफ़ी भीड़ हो रहा है। मैं देखता हूँ छठ व्रती काफ़ी लोग आ रहे हैं और चारों तरफ यहाँ पर सुविधा है। ये निर्माण कब तक घाट की हो पाएगी? देखिए, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हर बार प्रयास करते हैं कि घाट हो, छतवर्तियों को काफ़ी इसमें सुविधा मिले, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन नगर निगम के माध्यम से ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। जलाशय के सूची में ये 32, 33 और 36 तालाब आया हुआ था, लेकिन पता नहीं किस कारणवश से ये तालाब बार बार नज़रअंदाज किया जाता है, जो काफ़ी दुखद है। कम से कम 10,000 की संख्या में यहाँ दूर दूर से आते हैं छठवर्तियों और यहाँ पे अर्घ देते हैं। सबसे पहले मैं तो पूरे देवघर शहरवासियों का कहना चाहता हूँ, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बतीसी पार्क जो है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में घाट बनी है, कोई भी आके कब आके यहाँ पे छठ पूजा कर सकते हैं, किसी प्रकार की यहाँ कोई असुविधा नहीं है।